देखिए सुन, आपका जो डिजिट दी थी 2197, ये डिजिट में हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 में 13 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना आएगा, 8 आया, 89 हुआ। 13 से जब 70 हुआ, 89 में जो 70 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11, तो 117 हो जाएगा, तो 39 जा 117। फिर 31 जा 13, 16 में 13 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, तो 39 हो गया, 33 जा 39। फिर 13 से डिवाइड किया 31 जा 13। आप देखिए यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं, तीनों पेयर बन गए कि नहीं बन गए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा, यानी पीसी, पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब। ऐसे इस प्रकार आप 1728 का निकालेंगे। जब आप 1728 का निकालते हैं इसको, देखिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 17 में 16 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 12 हो गया, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 1 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 12 हो गया, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 0, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 4 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 14 हो गया, 2 7 14। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। देखो 3 दिन के पेयर बना गए, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा। जिसका पेयर नहीं बनेगा, मतलब कि तीन नंबर क्यूब में नहीं मिले, वो आपका नॉन परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये आपको डिजिट दी गई है, 3267 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब को जानने के लिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसको हम किससे डिवाइड कर दें, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते, 3 से, तो 3 1 3। अब 3 1 3 3, उसके बाद अब 3 1 3 आपका आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से 2 डिवाइड नहीं होगा, 0 लेंगे, 3 1 24, 26 में 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 27, 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 10 में 9 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 18 हो गया, 3 6 18। फिर 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, और 3 1 3। फिर 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 11, 12 में 11 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 11 हो गया, 11 1 11। फिर 11 से डिवाइड कीजिए, 1 आया। तो देखिए ये तीन तो बन गया, लेकिन ये तो रह गया ना, तो आप किसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 11 सो परफेक्ट क्यूब। अगर हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई और करते हैं तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब। अब देखिए आप ए की वैल्यू क्या है, 13, तो 13 का क्यूब आप करेंगे, तो 13 का क्यूब अभी हमने क्या निकाला है, 2197 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द नंबर एज द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स है। 7 का क्यूब दिया हुआ हमें, कॉन्सिक्यूटिव नंबर के अकॉर्डिंग इसमें करना है। तो इसे देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट ऑड नंबर, अगर वो नंबर ऑड है तो ऑड नंबर लिखेंगे, इवन है तो इवन नंबर लिखेंगे। तो द फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 माइनस 1 1 ट्रायंगुलर नंबर प्लस 1। आप देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 1 सबके करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6th ट्रायंगुलर नंबर, यही नंबर प्लस 1। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे 6 नंबर है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, यानी 1 से 6 नंबर को प्लस करके लिख देंगे काउंटी नंबर को, और प्लस 1 आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1, तो आपका आ गया, ये तो 42 हो जाएगा प्लस 1, ये आपका आ गया 43 आ गया। अब देखिए आप जब 7 का क्यूब करेंगे तो 43 प्लस 45 फिर उसके बाद प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 फिर प्लस आपका 53 फिर प्लस आपका 55, इन टू टू नंबर हम ऐड करते चले गए, इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 343, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। इस प्रकार आपको सॉल्व करना होगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप पेयर में करें, आपको कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।